वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में कि एक्चुअल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं और यहां पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या होता है। गाइस यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को समझने से पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को समझना होगा। गाइस यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम ईयर ड्रम भी है, इसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। गाइस यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये ईयर के अंदर लोकेट होती है। ये गाइस काम क्या करती है कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है और जो मिडिल ईयर होता है उसको सेपरेट करने का काम करती है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो ईयर ड्रम होता है, उसमें मेन दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है यहाँ पर जो ऑडियो होती है, जो साउंड होती है, उसको मिडिल ईयर तक ट्रांसफर करना, जो ऑसिकल्स होते हैं, जो ईयर के जो बोन्स होते हैं वहाँ तक साउंड को ट्रांसफर करना। और जो दूसरा फंक्शन है वो प्रोटेक्शन, जो ईयर ड्रम होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्टिव, कोई भी फॉरेन पार्टिकल मिडिल ईयर के अंदर इंटर ना कर पाए। तो यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो साउंड को ट्रांसमिट करने का काम करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब गाइस यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या होता है। गाइस ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो ईयर ड्रम होता है, ये किसी कारणवश अगर रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई होल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। गाइस इसको हिंदी में बोलते हैं कान के पर्दे में छेद हो जाना। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है इसके मेनली दो कॉजेज हो सकते हैं। गाइस जो सबसे पहला कॉज है वो है इंजुरी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इंजरी की वजह से परफोरेट हो सकती है या फिर कि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से परफोरेट हो सकती है। गाइस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होने के बाद जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, उसमें हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस अगर बात करते हैं कॉजेज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, गाइस यहाँ पर कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करते हैं। गाइस यहाँ पर सबसे पहला कॉज है वो है इन्फेक्शन। अगर ईयर के अंदर कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है। दूसरा यहाँ पे जो कॉज है वो एक्सीडेंटल इंजरी। गाइस एक्सीडेंट के केस में भी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो ईयर ड्रम है, वो परफोरेट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉज है वो ऑसिकल बोन इंजरी। अगर गाइस जो हमारी जो ईयर होता है, ईयर का जो मिडिल ईयर होता है, वहाँ पर ऑसिकल बोन्स होते हैं, अगर ऑसिकल बोन में कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्टिव अगर ईयर के अंदर जाता है तो वो भी जो है ईयर ड्रम को परफोरेट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस अगर ईयर के अंदर कोई डिजीज है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया। गाइस ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, मिडिल ईयर के इन्फेक्शन में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो परफोरेट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर लाउड साउंड। गाइस अगर जो लाउड साउंड है बहुत ज़्यादा, अगर लाउड साउंड है कैपेसिटी से बाहर है, तो उस कंडीशन में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है। और गाइस यहाँ पर अगर गन शॉट है तो गन शॉट में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉज है वो है बैरोट्रामा। गाइस बैरोट्रामा में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो अधिक ऊंचाई पर जाता है, तो उस कंडीशन में जो ईयर का प्रेशर है वो सडनली चेंज होता है, तो उससे भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के कंडीशन में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। गाइस यहाँ पर सबसे पहला साइन और सिम्टम्स में है वो ईयर पेन। जो पेशेंट होगा, जो इंडिविजुअल होगा, उसको सीवियर पेन हो सकता है, उसमें सीवियर पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो साइन और सिम्टम्स में है वो है हियरिंग लॉस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के कंडीशन में हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में वर्टिगो रहेगा, डिजीनेस रहेगा, इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर भी आ सकता है, और यहाँ पर पेशेंट में जो है रिंगिंग साउंड देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, ईयर से एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टिम्पैनोग्राम करवाते हैं, जिसको हम टिम्पैनोमीट्री भी बोलते हैं। गाइस टिम्पैनोमीट्री में क्या होता है कि जो मिडिल ईयर की जो लेयर होती है, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक ओटोस्कोपी टेस्ट होता है। ओटोस्कोपी में क्या क्या करते हैं कि जो इंटरनल ईयर के जो पार्ट्स होते हैं उनको विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑडियोमीट्री करवाते हैं। ऑडियोमीट्री में क्या होता है, ये एक हियरिंग टेस्ट होता है जिसमें हियरिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। और गाइज यहाँ पर आप MRI, CT स्कैन और एक्सरे जैसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के ट्रीटमेंट की, यानी कि मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर अगर ईयर के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देते हैं, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में पेशेंट में सीवियर पेन देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसका जो पेन है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर एंटी एलर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं वो एलर्जी को कम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें, तो सर्जिकल प्रोसीजर में टिम्पैनोप्लास्टी नाम की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। टिम्पैनोप्लास्टी में क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसको रिपेयर किया जाता है। गाइस अगर टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी सक्सेसफुल रहती है, तो पेशेंट में जो हियरिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। परमानेंटली हियरिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो गाइस ये था कुछ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहते हैं। थैंक यू।